हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। क्विक रिवीजन करेंगे फटाफट, ठीक है? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन अपने आप में इसमें इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, सीधे सीधे राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है? तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन ही आएगा, तो हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको पता है, इसको बोलते हैं हिंदी में सूचना का अधिकार। मतलब हमको अधिकार है क्या क्या लेने का, इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार है, ठीक है? तो इसके बारे में हम पूरी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, माई राइट इज माई माइट द राइट टू नो कीपिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल। मतलब गवर्नमेंट से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है? अगर देखें तो व्हाट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है? जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ले सकते हैं, ठीक है? तो सिंपल सी बात अगर 2 शब्दों में कहें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हम क्या करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हम उसके किसी भी रिकॉर्ड के बारे में जानकारी ले सकते हैं, किसी भी वर्क्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, किसी भी स्कीम के बारे में जानकारी ले सकते हैं, गवर्नमेंट ने कितना पैसा किस स्कीम में लगाया, कहाँ कहाँ पर कितना पैसा खर्च हुआ, ये सारी की सारी जानकारी, कहाँ कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किस रोड में कितना पैसा लगाया, किस स्कीम में कितना पैसा किस जिले के लिए किस राज्य के लिए कितना आया, एवरीथिंग वी कैन नो बाई राइट टू इन्फॉर्मेशन जस्ट पेइंग 10 रुपी। कितना रुपये पे करना पड़ेगा आपको, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और एप्लीकेशन के साथ 10 रुपये का मतलब चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है? 10 रुपये में हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और वो भी ये भी है इसके अंदर कि 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है? अगर 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं देता, आपने मान लो RTI फॉर्म भर दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन का एप्लीकेशन भर दिया और आपको 30 दिन के अंदर अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, देन पेनल्टी लगेगी। किस पर? सरकार पर। 250 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी, ठीक है? जो भी ऑफिसर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, ही हैज़ टू पे, या गवर्नमेंट हैज़ टू पे 250 रुपी पर डे पेनल्टी, ठीक है? इतनी पेनल्टी लगेगी। तो सिंपल सी बात है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है जिसके तहत आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को जान सकते हो जस्ट पेइंग 10 रुपी, और 30 दिन के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी सारी की सारी। नहीं मिलती है तो 250 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा, ठीक है? ओके, ये एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको फ्रेम किया था। कब फ्रेम किया था? 15 जून 2005, ठीक है? तो 15 जून 2005 में तो इसको बनाया गया था, और इनेक्ट इन्फोर्स कब किया, इन्फोर्स मतलब लागू कब किया, इफेक्ट में कब आया, 12 अक्टूबर 2005, ठीक है? तो ये राजस्थान वाली बुक में 13 अक्टूबर दे रखा है, दैट इज रॉन्ग, सो काइंडली मेक इट करेक्ट। ओके, तो RTI एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, ठीक है? और कब बनाया था, 15 जून 2005 में, और लागू कब हुआ, 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ, ठीक है? ठीक है, ये क्या करता है, एक्सेस देता है इन्फॉर्मेशन, जो भी पब्लिक अथॉरिटी, सरकारी अथॉरिटी है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? ये हमें एक अधिकार मिलता है इस एक्ट के तहत, ठीक है? और ये चीज़ आपको आंसर में नहीं निकली है, ये एक्स्ट्रा स्लाइड है सिर्फ आपको समझाने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्ट यही है कि भाई एक आप राइट टू इन्फॉर्मेशन, प्रत्येक सिटीजन को इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार मिल सके, ठीक है? और अगर हमें सभी इन्फॉर्मेशन लेंगे, अगर हम सरकार से इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, तो सरकार भी कैसी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी। सरकार को भी डर लगेगा कि अगर हम कुछ गलत करते हैं, या कर सरकारी कर्मचारी ऑफिसर्स होते हैं जो कुछ गलत करेंगे, करप्शन करेंगे, तो उनको पता चल जाएगा अगर हम कुछ करप्शन का केस बाद में खुला, RTI से किसी ने पूछ लिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए RTI के तहत क्या हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन लेने से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो रही है, अकाउंटेबल हो रही है, एज वेल एज करप्शन को हम क्या कर पा रहे हैं, कम कर पा रहे हैं इसकी सहायता से। करप्शन को कर्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ रही है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है पारदर्शिता, जो गवर्नमेंट कर रही है वो आप देख सकते हो, ठीक है? पहले ऐसा होता था, पता ही नहीं चलता था क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या स्कीम आई है, क्या नहीं आई है। अब हम सारी चीज़ें देख सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस आई है, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं, ठीक है? और लोग पार्टिसिपेट करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस में, ठीक है? तो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन को देखें तो इसके तहत हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के किसी भी काम को, किसी भी डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, कोई भी रिकॉर्ड देख सकते हैं, कोई भी जानकारी किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। जानकारी किसी फॉर्म में ले लेने का मतलब है, पेपर फॉर्म में जानकारी मंगा सकते हो, CD फॉर्म में जानकारी मंगा सकते हो, फ्लॉपी फॉर्म में, फ्लॉपी डिस्क होती है उसके रूप में जानकारी मंगा सकते हो, ठीक है? तो किसी भी रूप में हम जानकारी को ऑब्टेन कर सकते हैं,
और सैंपल ले सकते हैं, कोई भी जो काम चल रहा है, मटेरियल चल रहा है उसका सैंपल ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, एक्स्ट्रैक्ट ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ले सकते हैं, रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ हम आरटीआई के तहत जान सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये जो मैं बताने वाला हूँ ये आपको अपने नोट्स में लिख लेना है, ये आंसर में लिखना है। अब तक का तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया था, ये आपको अपने आंसर में लिखना है। ठीक है, ये आप मेरे नोट्स हैं, इनको आप ले लेना। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आपको पता आया था। अब ये क्या, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या है कि देखो अब हम सरकार को क्या देते हैं, पैसा देते हैं टैक्स टैक्स के रूप में, तो हमें अधिकार है कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, हमारे पैसे का सही इस्तेमाल कर रही है नहीं कर रही है, ये जानकारी लेने का हमें पूरा अधिकार है। इसी को मद्देनजर रखते हुए लोकसभा में 2005 15 जून 2005 में क्या हुआ था, एक आरटीआई एक्ट पास किया गया जिसको पूरी कंट्री में कब लागू किया गया था, इंप्लीमेंटेड टू होल कंट्री 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग बुक में 13 लिखा हुआ है राजस्थान वाली में, इसको करेक्ट कर लेना, दैट इज नॉट करेक्ट। अंडर आरटीआई पीपल कैन एंजॉय फॉलोइंग राइट्स। आरटीआई के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, डिपार्टमेंट सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, तो कोई भी सिटीजन किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी ले सकता है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को मॉनिटर कर सकते हैं कैसे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोई भी काम कर रहे हैं उसका सैंपल ले सकते हैं, और जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है किस किस रूप में ले सकते हैं, कंप्यूटर सीडी फ्लॉपी इसमें ले सकते हैं, और सिटीजन कैन ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिकॉर्ड ऑफ वेजेज, मजदूरियों के रिकॉर्ड देख सकते हैं, मजदूरी जो होती है पैसा, डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, लॉग बुक देख सकते हैं, टेंडर की और कई सारी स्कीम्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, किसके तहत, आरटीआई के तहत। अब इंफॉर्मेशन को कैसे आप पत लोगे, इंफॉर्मेशन तरीका क्या है, हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन, यहां पे एक क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट इज द प्रोसीजर टू गेट इंफॉर्मेशन थ्रू आरटीआई, आरटीआई के तहत हम कैसे इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो आरटीआई के तहत आपको इंफॉर्मेशन अगर प्राप्त करनी है तो सबसे पहले एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी और 10 रुपये तुम्हें जमा कराने पड़ेंगे, या तो कैश और या फिर पोस्टल ऑर्डर के रूप में। ठीक है, तो पर्सन को अगर मान लो सीडी लेनी है फ्लॉपी लेनी है तो उसके लिए 50 रुपये देने पड़ेंगे, और मान लो कोई फोटोकॉपी मंगानी है फोटोकॉपी लेनी है तो 2 रुपये पर पेज के हिसाब से पे करना पड़ेगा, अगर पेपर बड़ा है तो एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। ठीक है, 10 रुपये जमा कराने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं 1 घंटे तक। ठीक है, और उसके बाद हर 15 मिनट के 5 रुपये पे करने पड़ते हैं, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो 30 दिन के अंदर मिल जाएगी आपको, अगर नहीं मिलेगी तो आप फिर पेनल्टी लगती है। ठीक है, किस पर, जो भी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, तो 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है फिक्स पीरियड में तो आप क्या कर सकते हो, या फिर मतलब क्या समझा जा सकता है कि रिफ्यूजल समझा जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन ना देने से मना कर दिया गया है। ठीक है, अब रिफ्यूजल का रीज़न कुछ भी हो सकता है, अभी अब आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि किन किन केस में इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, और लाइफ एंड फ्रीडम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको 48 आवर्स में मिल जाएगी। यहाँ पे फाइन, फाइन मतलब अगर मतलब जुर्माना कितना लगेगा, फाइन इन केस ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो चार्ज लगेगा 250 रुपये पर डे के हिसाब से 30 दिन के बाद, कब लगेगा 30 दिन के बाद, और मैक्सिमम चार्ज कितना लगाया जा सकता है 25,000, और इन्फॉर्मेशन कमीशन कैन आस्क कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, और जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है, जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल सकती, अब मान लो आरटीआई का फॉर्म लगा दिया, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, एक तो सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जो भी स्टेट की सिक्योरिटी है कंट्री की सिक्योरिटी है सिक्योरिटी से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन गुप्त जो जानकारी होती है कोई भी पॉलिसीज की साइंस की इकोनॉमिक अफेयर्स की वो जानकारी कॉन्फिडेंशियल नहीं मिलेगी, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड विदेशों से जो हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली है उसको भी हम शेयर नहीं कर सकते, और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू राइट ऑफ कोर्ट्स, अगर मान लो ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे क्या है कोर्ट्स के राइट एक्सप्लोइट हो रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, एज वेल एज पार्लियामेंट लेजिस्लेचर और कोर्ट इनसे रिलेटेड जो अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जिससे इनका एक्सप्लोइटेशन हो सकता है वो भी शेयर नहीं की जाएगी, और सिक्योरिटी की जो ब्रांच है हमारी सिक्योरिटी की जो एजेंसी है सिक्योरिटी से रिलेटेड जो जांच करती है, ठीक है, जैसे सर्विस ब्यूरो BSF क्राइम ब्रांच इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी क्योंकि ये हार्मफुल हो सकती है हमारी सिक्योरिटी के लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो सिक्योरिटी एजेंसियों से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी। अच्छा, अपील करने का टेन्यूर अपील कब कर सकते हो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन 30 डे के अंदर नहीं मिलती है, वैसे तो 30 डे में मिल जाएगी, ठीक है, किससे मिल जाएगी, एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से आपको 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हो,
सीनियर ऑफिसर से, ठीक है। तो सीनियर ऑफिसर कौन कौन से हैं वो हमें देखने हैं। तो अपीलेट ऑफिसर, अपीलेट ऑफिसर मतलब जिसके खिलाफ जिसको आप अपील कर सकते हैं। जैसे मान लो विलेज लेवल पर फर्स्ट अपील अगेंस्ट ग्राम सेवक, विलेज लेवल पर ग्राम सेवक होता है, इसके खिलाफ आप अपील कर सकते हो सरपंच से। और डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है पंचायत समिति के लेवल पर, उसके खिलाफ कर सकते हो प्रधान से, प्रधान मतलब जो प्रेसिडेंट होता है पंचायत समिति का। और एडिशनल कलेक्टर के खिलाफ आप अपील कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से। और पहली अपील अगर आपकी नहीं सुनी जाती है 30 दिन के अंदर, देन सेकेंड अपील कैन बी मेड टू स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, आप फिर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन से अपील कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, इन्जॉय लर्निंग, गुड लक।